नमस्कार दोस्तों, वीकली बिजनेस न्यूज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राकेश कुमार। दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे पहली और सबसे बड़ी बिजनेस न्यूज रही है वह रही है रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत के दो सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आमने सामने आ गए हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के हेड मुकेश अंबानी ने 3 वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन में 75,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी, जिसके बाद गौतम अडानी ने भी 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर डाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गौतम अडानी जीतेंगे या मुकेश अंबानी? कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं अगला न्यूज दोस्तों LIC से। आपको पता होगा कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC अपनी IPO लाने जा रही है, जिसके लिए FDI की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन इसमें चीन की एंट्री को बैन कर दिया गया है। इस IPO के जरिए भारत सरकार अपनी 5% से 10% की हिस्सेदारी बेचकर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आपको क्या लगता है, इसमें चीन की भी एंट्री होनी चाहिए थी? कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज वोडाफोन आइडिया से है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया फिर से कुछ इन्वेस्टर इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने इन कंपनियों को मोरेटोरियम लाकर काफी राहत दी है। तो अब यह अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसके लिए यह नए इन्वेस्टर की खोज में लग गए हैं। आपको क्या लगता है कि इनको नए इन्वेस्टर मिल जाएंगे? कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज सोनी पिक्चर्स और जी इंटरटेनमेंट से। आपको पता होना चाहिए कि जी इंटरटेनमेंट और सोनी एक दूसरे के साथ मर्ज होने जा रही है, और मर्ज होने के बाद सोनी इस कंपनी में लगभग 11,605 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिसकी वजह से इसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे। वहीं अगली न्यूज चीनी कंपनी एवरग्रांडे से है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया होने की कगार पर आ गई है। कंपनी पर करीब 300 अरब डॉलर का कर्ज है, और इसका कहना है कि मैं इस कर्ज का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से इसने खुद को दिवालिया होने की स्थिति में लाकर खड़ी कर दी है। दोस्तों, एवरग्रांड के इस परिस्थिति की वजह से सोमवार को दुनिया के शेयर बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। इससे एक ही दिन में दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों के लगभग 135 अरब डॉलर स्वाहा हो गए, और इसका सबसे ज्यादा असर दुनिया के नंबर एक अरबपति एलोन मस्क पर पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, और एवरग्रांडे भी इलेक्ट्रॉनिक कारों से संबंधित काफी चीजें बनाती है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा असर एलोन मस्क पर पड़ा। आपको क्या लगता है, एवरग्रांडे दिवालिया हो जाएगी या चीनी सरकार इसको बचा लेगी? कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज ओयो कंपनी से है। दोस्तों, ओयो कंपनी अपना IPO लाना चाह रही है, जिसके लिए लगभग 1.2 अरब डॉलर रुपए जुटाना चाह रही है। आपको क्या लगता है, ओयो में इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज फ्रेशवर्क से है। मैंने आपको पिछले ही हफ्ते फ्रेशवर्क के बारे में बताया था कि फ्रेशवर्क जो है अमेरिकन शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट करने जा रही है, जिसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस हफ्ते इसने खुद को लिस्ट कर लिया, और इसके लिस्ट होते ही इसकी मार्केट कैप लगभग 12 करोड़ डॉलर हो गई, और इसके साथ ही इस कंपनी के लगभग 500 एम्प्लॉई करोड़पति हो गए, क्योंकि इस कंपनी में ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वह इसके एम्प्लॉई ही हैं। वहीं अगली न्यूज टाटा ग्रुप से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा ग्रुप ने डिफेंस सेक्टर में बड़ा हाथ मारा है। देश में 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों को बनाने का ठेका कंपनी को मिल गया है। यह प्रोजेक्ट दोस्तों 22,000 करोड़ का होगा, जिसको यह एयरबस के साथ मिलकर बनाने वाली है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इससे भारत में लगभग 6,000 रोजगार पैदा होंगे। वहीं अगली न्यूज अमेजन से है। दोस्तों, अमेजन ने भारत में प्राइम वीडियो चैनल्स को लॉन्च कर दिया है। अब आप एक प्लेटफॉर्म पर लगभग एक साथ 8 OTT एप्स का फायदा उठा सकते हैं। एक बयान में यह कहा गया है कि एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए यह प्राइम वीडियो चैनल्स प्राइम सदस्यों को भारत में अमेजन प्राइम वीडियो ऐप और वेबसाइट पर अपनी कंटेंट स्ट्रीम करने का विकल्प देगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेजन प्राइम वीडियो इस समय भारत के लगभग 4400 शहरों में अपनी पहुंच बना चुकी है। वर्तमान में यह सर्विस भारत सहित 12 देशों में उपलब्ध है, और इसमें 350 से ज्यादा पार्टनर प्लेटफॉर्म है। इसके तहत ग्राहकों को सिर्फ उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा जिन्हें वह चुनेंगे। वहीं अगली न्यूज दोस्तों डाबर कंपनी के। डोमेस्टिक FMCG कंपनी डाबर अपने वाटिका ब्रांड को एक्सपेंड करने जा रही है। डाबर अब फेस वॉश को भी प्रोडक्ट श्रेणी में उतारने की घोषणा कर चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि डाबर वाटिका ब्रांड के तहत
फेस को साफ सुथरा रखने वाले उत्पादों की मदद से यह पर्सनल केयर मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। इस प्रोडक्ट को यह ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचेगी। वहीं इस हफ्ते का अंतिम वीकली बिजनेस न्यूज है HDFC और पेटीएम से संबंधित। HDFC बैंक और पेटीएम मिलकर अक्टूबर में ग्लोबल कार्ड नेटवर्क वीजा द्वारा संचालित कई क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रही। एक बयान में कहा गया है कि नया क्रेडिट कार्ड रिटेल कस्टमर्स की अलग अलग जरूरतों को पूरा करेगा। बेस्ट रिवार्ड के साथ साथ इसमें आकर्षक कैश बैक की सुविधा भी दी जाएगी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए इसको अक्टूबर महीने में लॉन्च किया जाएगा और लॉन्चिंग के साथ ही इसमें बाय नाउ एंड पे लेटर EMI से जुड़े ढेर सारी सुविधाएं दिसंबर 2021 तक ग्राहकों को मिलती रहेंगी। इस हफ्ते का बिजनेस न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए बिजनेस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।